मदुरई ऑल्सो नोन एज द कल्चरल कैपिटल ऑफ तमिलनाडु, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे एंशियंट टेम्पल एंड आर्किटेक्चर देखने को मिलता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस टूरिस्ट प्लेस इन साउथ इंडिया। सो टुडे वी आर फॉर्चुनेट टू एक्सप्लोर दिस होली सिटी एज ए पार्ट ऑफ आवर बी टू के, यानी कि बैंगलोर टू कन्याकुमारी राइड। अगर आप हमारे प्रीवियस वीडियोज नहीं देखे हैं इस सीरीज़ के, देन प्लीज़ डू वॉच दैट एंड ऑल्सो वॉच आवर कम्प्लीट सीरीज टू गेट एन फुल एक्सपीरियंस। हेलो गाइस, जय जगन्नाथ, वेलकम बैक टू द सेकंड डे ऑफ बैंगलोर टू कन्याकुमारी सीरीज। सो नाउ आई एम एट द होटल फ्रॉम वेयर वी आर स्टार्टिंग टू एक्सप्लोर द मदुरई सिटी। सो अभी टाइम 6:30 हुआ है, सो वी आर गोइंग आउट टू फर्स्ट विजिट द मीनाक्षी टेम्पल। आफ्टर दैट वी आर प्लानिंग दैट वी विल गो टू दैट तिरुमलाई मॉल, एंड आफ्टर दैट इफ टाइम परमिट्स देन वी मे विजिट अदर प्लेसेस ऑल्सो। सो देखते हैं कैसा होता है। सो सी यू ऑन द मीनाक्षी टेम्पल। गाइस, मीनाक्षी टेम्पल वॉज जस्ट 2.5 किलोमीटर अवे फ्रॉम आवर होटल, सो वी टूक ए शेयरिंग ऑटो फ्रॉम आवर होटल टिल पेरियर बस स्टॉप, विच वॉज द नियरेस्ट स्टॉप ऑफ मीनाक्षी टेम्पल आई थिंक, एंड फ्रॉम देयर बाई वॉक वी रीच टिल द टेम्पल। और एक चीज़ गाइज आई वॉन्ट टू एड्रेस हियर, दैट इज द लैंग्वेज प्रॉब्लम नॉट ओनली इन मदुरई, इन मोस्ट ऑफ द टूरिस्ट प्लेसेस इन साउथ इंडिया। सो इफ यू आर कमिंग फ्रॉम एनी अदर स्टेट एंड यू डोंट नो तमिल, देन यू माइट फेस ए लॉट ऑफ प्रॉब्लम हियर बिकॉज ऑफ द डिफरेंट लैंग्वेज, क्योंकि यहाँ का जो मोस्ट ऑफ द लोकल्स होते हैं वो सिर्फ तमिल ही समझते हैं, दे डोंट अंडरस्टैंड इंग्लिश एंड हिंदी। सो बी प्रिपेयर फॉर दैट इफ यू आर प्लानिंग टू डू साउथ इंडिया ट्रिप। सो गाइज, नाउ वी हैव रीच एट द मीनाक्षी टेम्पल, एंड एज यू कैन सी इट इज़ लुकिंग सो ब्यूटिफुल फ्रॉम आउटसाइड, बट अनफॉर्चुनेटली मोबाइल फोन इज़ नॉट अलाउड इन साइड। और मंदिर एरिया है तो इसी वजह से मतलब सिक्योरिटी एजेंट्स के लिए मोबाइल अलाउड नहीं होता है मोस्ट ऑफ द मंदिर में, सो यहाँ भी नहीं है। एंड फ्रॉम हियर वी हैव टू कीप आवर मोबाइल इन द स्टोरेज, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू गो विदाउट मोबाइल एंड विदाउट शूज ऑल्सो। सो आई कैनॉट शो यू द इनसाइड फुटेज, आई थिंक लेट्स सी विल do the darshan, and after that I will come out and I will share my experience how it goes inside the Meenakshi temple. गाइज, मीनाक्षी टेम्पल एक बहुत ही पुरानी मंदिर है जो 1600 सेंचुरी में बनाया गया था, और ये मंदिर डेडिकेटेड है पार्वती माता को, जिनको यहाँ पे मीनाक्षी देवी के रूप में पूजा किया जाता है, और साथ में यहाँ पे शिवजी और बाकी बहुत सारे भगवानों का मंदिर भी है जिनको यहाँ पे पूजा अर्चना किया जाता है। द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टेम्पल इज इट्स आर्किटेक्चर, विच वॉज वेरी यूनिक एंड क्वाइट फेबुलस। इट इज सेड दैट ये मंदिर ड्राविडियन आर्किटेक्चर के बेसिस पे बनाया गया था, जो कि डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सुंदर एंड प्लानिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी एडवांस था। और एक यूनिक थिंग इस मंदिर का ये कि इसके 4 डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट एंट्रेंसेस हैं, और हर एंट्रेंस पे एक बहुत बड़ा 160 फीट का टावर रहता है, एंड दैट लुक्स प्रेटी ऑसम फ्रॉम आउटसाइड एंड इनसाइड आल्सो। सो गाइज, अभी हम लोग का दर्शन हो चुका है, एंड द एक्सपीरियंस इनसाइड द मंदिर वाज वेरी ब्यूटीफुल, वेरी ऑसम। जो आर्किटेक्चर है वो बहुत सुंदर है, बहुत पुरानी मंदिर है ये, एंड इट इज़ क्वाइट अप्रिसिएबल। एंड बहुत मतलब हम लोग सुबह 7:30 को एंट्री किए, बट तब भी बहुत भीड़ था। सो इफ़ यू आर प्लानिंग टू कम, कम एज अर्ली एज पॉसिबल, सो दैट आप फ्री दर्शन में भी अच्छे से मतलब दर्शन कर पाएंगे। सो ओवरऑल आवर एक्सपीरियंस वॉज वेरी गुड, देर इज़ ए लॉट टू एक्सप्लोर इन साइड, लॉट ऑफ आर्किटेक्चर, लॉट ऑफ ब्यूटी, लॉट ऑफ अनसीन थिंग्स, एंड डेफिनेटली अगर आप मतलब हिंदुइज्म में बहुत ज़्यादा मानते हैं और ये करते हैं तो इट्स ए मस्ट विजिट प्लेस फॉर यू। और यहाँ पे हम लोग सबसे पहले मीनाक्षी टेम्पल का दर्शन किए, उसके बाद शिव जी का भी दर्शन किए, और भी मतलब बहुत सारे जैसे गणेश जी का भी दर्शन किए। सो इट वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल, होल एक्सपीरियंस वॉज वेरी नाइस, यू शुड कम वांस हियर टू एक्सपीरियंस दैट। और जैसे कि कैमरा एंड फोन आर नॉट अलाउड इन साइड, तो हम लोग वो सब कैप्चर तो नहीं कर पाए। सो आई वुड रिकमेंड टू एक्सपीरियंस दैट, यू शुड कम हेयर बाई लिसनिंग टू मी, यू कैन नॉट लाइक विजुअलाइज ऑल दोज थिंग्स, एंड मैं जितना भी आपको डिस्क्राइब करूँ वो मतलब कम पड़ जाएगा, इतना अच्छा इतना सुंदर है अंदर। सो प्लीज़ कम हेयर एंड विजिट दिस प्लेस।
सो गाइज आफ्टर मीनाक्षी टेम्पल वी क्विकली हेडेड टुवर्ड्स द तिरुमलाई नायक मॉल जो कि 1 किलोमीटर वॉकिंग डिस्टेंस पे था. सो बाई वॉक वी रीच डैट द तिरुमलाई मॉल. सो गाइज आफ्टर मीनाक्षी टेम्पल नाउ वी हैव केम टू द तिरुमलाई नायक मॉल और ये वॉकेबल डिस्टेंस में ही आता है. सो बाई वॉक एनीबडी कैन रीच इजिली. एंड हियर एंट्री फी इज 10 रुपीज़ पर एडल्ट और फॉरेनर का तो अलग फी होता है. सो फॉर कैमरा ऑल्सो यू हैव टू पे एक्स्ट्रा, दैट इज 30 रुपीज़ फॉर सेल फोन एंड वीडियो कैमरा इज डिफरेंट. आई थिंक वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड, ओनली फोटोग्राफी इज अलाउड. तो चलिए देखते हैं अभी अंदर. गाइज आफ्टर एंटरिंग टू द पैलेस आई वॉज कम्प्लीटली स्पीचलेस बाई सींग इट्स ग्लोरियस ब्यूटी. बोथ द एक्सटीरियर इंटीरियर वर फिल्ड विथ ब्यूटिफुल आर्ट एंड ब्यूटिफुल डिजाइन पैटर्न्स एंड दिस पैलेस इज मेड एज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इटालियन एंड ड्रविडियन आर्किटेक्चर विच मेक्स इट रियली ब्यूटिफुल. इट इज सेड दैट वॉट वी सी टूडे ऑफ दिस पैलेस इज द 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज, यानी कि जब ये बनाया गया था तब और भी बड़ा था, बट आफ्टर द किंग्स रूल सम अदर रूलर केम एंड माइट डैमेज द पैलेस एंड नाउ वॉट एवर लेफ्ट इज द 1/4 ऑफ इट्स ओरिजिनल साइज. सो गाइज नाउ आई एम एट द तिरुमलाई नायक मॉल एंड द व्यू फ्रॉम इन साइड इज रियली इम्प्रेसिव. बहुत सुंदर सा व्यू है. पैलेस के साइड में दो म्यूजियम भी है, वो भी बहुत सुंदर है. वहाँ पे बहुत सारे एंशियंट चीज़ें जो उनका मतलब उस टाइम में बहुत सारे पॉट हो गया और बहुत सारे मोनूमेंट्स वो सब वहाँ पे रखे हैं. सो डू कम हियर एंड विजिट ऑल दोज प्लेसेस, इट विल बी एन ऑसम एक्सपीरियंस. After exploring the palace, we returned back to our hotel because we had to start our journey from Madurai to Kanyakumari. गाइज आफ्टर विजिटिंग मीनाक्षी टेम्पल एंड तिरुमलाई मॉल हमारा मदुराई का टूर यहाँ पे ख़त्म होता है क्योंकि नाउ वी आर हेडिंग टुवर्ड्स कन्याकुमारी और अभी होटल में भी चेकआउट हो गया है एंड नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. नाउ द टाइम इज़ अराउंड 12:30 आई थिंक एंड वी आर प्लानिंग दैट बाई 6 वी विल रीच देयर बिकॉज एज पर गूगल मैप इट विल टेक 4 आवर एंड लंच ब्रेक 1 आवर वी आर एडिंग. सो लेट्स सी. एंड कन्याकुमारी पहुँच के वहाँ पे होटल में चेक इन करेंगे एंड आफ्टर दैट वी कैन गो टू बीच इफ़ टाइम परमिट्स. लेट्स सी हाउ इज द सिचुएशन देयर. एंड मदुरई बहुत अच्छा लगा. एक्सपीरियंस इन मदुरई वॉज वेरी गुड. द मीनाक्षी टेम्पल वॉज रियली ब्यूटिफुल फ्रॉम इन साइड एंड तिरुमलाई मॉल ऑल्सो इट वॉज रियली ऑसम आर्किटेक्चर एंड ऑल. एंड सो सी यू इन कन्याकुमारी एंड लेट्स सी हाउ इट गोज. Guys, now we are on the highway and it is the same highway which we followed from Bangalore to Madurai and we are going to follow this same highway till Kanyakumari also, jo ki NH44 hai and it connects from Kashmir to Kanyakumari. Guys, after riding about an hour, we have covered almost 60 km from Madurai and now we have stopped at a roadside hotel to have lunch, jiska naam hai Tirupati Hotel. And trust me guys, is hotel ka khana bahut tasty hai and unka service bhi bahut acha hai. So the taste and service of this hotel is really appreciable. Guys, roads were really nice for riding but in some places it was raining so we had to stop till the rain ends. बट हम लोग जहाँ पे भी रुक रहे थे वहाँ हमें बहुत सुंदर सा व्यू देखने को मिलता था क्योंकि ये साउथ इंडिया में मानसून टाइम था. सो बिकॉज ऑफ रेन ऑल द हिल्स एंड बोथ साइड ऑफ द रोड वेर फिल ऑफ ग्रीनरी विच लुक्स सो ऑसम.
सो गाइज आफ्टर कंटिन्यूअस 200 किलोमीटर ऑफ राइड नाउ फाइनली वी हैव रीच्ड एट द कन्याकुमारी एंड फ्रॉम हियर द व्यू इज सुपर एंड बीच इज क्लियरली विजिबल. सो नाउ वी विल फास्ट गो टू आवर होटल विच वी हैव बुक्ड एंड आफ्टर दैट वी विल कम टू बीच ऑल्सो. सो यू कैन सी द व्यू, इट्स सुपर एंड द वेदर इज ऑल्सो वेरी गुड. बट टूडे सिंस इट इज रेनिंग एंड क्लाउडी तो सनसेट नहीं दिख रहा है, बट स्टिल इन दिस वेदर टू एंजॉय दिस व्यू इट्स वेरी गुड एंड वेरी नाइस. Let's see how it goes. How is the room? So guys, finally we have reached at our hotel and hotel is looking good from outside and also parking is there. That's the good part. So now we will enter the hotel and see how is the room and after that we will quickly freshen up and we'll go to beach to see. एक्चुअली सनसेट तो आज नहीं देख पाएंगे क्योंकि स्टिल इट इज़ क्लाउडी एंड इट इज़ रेनिंग. सो वील सी द बीच, लेट्स सी. सो गाइज नाउ वी हैव क्विकली फ्रेश्ड अप एंड इट इज़ अराउंड 7 नाउ. तो सनसेट तो ओबियसली नहीं देख पाएंगे क्योंकि सूरज ढल चुका होगा एंड टूडे ऑल्सो इट वॉज लिटिल क्लाउडी. सो सनसेट ऐसे भी नहीं दिख रहा था. सो नाउ लेट्स गो टू बीच एंड सी हाउ इज द नाइट व्यू एंड आफ्टर दैट वी विल एक्सप्लोर सम लोकल फूड एंड वी विल एंड आवर डे. लेट्स गो टू बीच. गाइज हमारे होटल से बीच का डिस्टेंस सिर्फ 500 मीटर था. सो वी क्विकली हेडेड टुवर्ड्स द बीच बाय वॉकिंग एंड बीच से जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल का व्यू था नाइट टाइम का वो बहुत सुंदर था बिकॉज ऑफ इट्स रियली नाइस लाइटिंग. गाइज नाइट टाइम एक्सपीरियंस ऑफ द बीच वॉज वेरी पीसफुल एंड काम बट सिंस इट वॉज डार्क इन द नाइट सो वी आर नॉट एबल टू सी द वेव्स प्रॉपरली. बट नॉट टू वरी, नेक्स्ट डे मॉर्निंग विल कम एज अर्ली एज पॉसिबल टू सी सनराइज एंड सी द व्यू ऑफ वेव्स. सो स्टे ट्यून फॉर दैट वीडियो. गाइज वन मोर थिंग आई ऑब्जर्व हियर इज इन नाइट टाइम दिस बीच इज वेरी लोनली क्योंकि बाकी जितने भी बीचेस मैं इंडिया में देखा हूँ वहाँ पे नाइट टाइम देर आर ए लॉट ऑफ क्राउड्स, लॉट ऑफ शॉप्स ओपन, सो इट फील्स लाइक ए टूरिस्ट प्लेस. बट कन्याकुमारी बीच का सीन कुछ अलग था. देर वॉज ऑलमोस्ट नो वन इन द बीच साइड एंड देर वॉज नो लाइट ऑल्सो, नो शॉप्स वर ऑल्सो ओपन. सो आई थिंक मे बी बिकॉज ऑफ पोस्ट कोविड और बिकॉज ऑफ मानसून देर आर ए वेरी लेस टूरिस्ट ऑन द बीच इन द नाइट टाइम. सो लेट्स सी इन द मॉर्निंग टुमारो हाउ इज द एक्सपीरियंस हियर. सो गाइज बीच घूमते घूमते टाइम 9 बज चुका है एंड वी आर वेरी टायर्ड एंड हंग्री ऑल्सो. सो वी हैड डिनर फ्रॉम आउटसाइड एंड वी वेंट बैक टू आवर होटल फॉर स्लीपिंग एंड दिस कम्स टू द एंड ऑफ आवर डे. सो गाइज आज का दिन का एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत सुंदर रहा. मीनाक्षी टेम्पल एंड तिरुमलाई मॉल इन मदुरई वर रियली ऑसम प्लेस टू विजिट एंड द रोड ट्रिप टू कन्याकुमारी एंड द नाइट टाइम काम एंड पीसफुलनेस ऑफ कन्याकुमारी बीच वॉज रियली मेड आवर डे. सो इट वॉज एन ऑसम एक्सपीरियंस वी गॉट टूडे. गाइज दैट्स ऑल फॉर दिस डे 2 जर्नी ऑफ आवर बैंगलोर टू कन्याकुमारी ट्रिप. नेक्स्ट डे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर द ब्यूटिफुल विवेकानंद रॉक मेमोरियल विच इज सिचुएटेड इन साइड दिस सी which looks so awesome and also we'll explore daytime view of Kanyakumari beach. So stay tuned for that video. I will try to upload that video as soon as possible. So guys, that's all. If you like this video, please hit the like button and if you have any query or any feedback you want to give me, please comment down below. I would love to reply you back. And at last but not the least, please subscribe to this channel and also press the bell icon. See you soon. Bye bye.